नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज एक फार्म ट्रैक 50 ट्रैक्टर मिला है, और ये और फार्म ट्रैक 50 और फोर्ड 3600 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। तो क्या फ़र्क था वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके 13x28 के टायर हैं, इसमें पिछले वाले, और लगभग 70 पैसे टायर हैं पिछले भी। और आप देख सकते हो इंजन की कंडीशन देखो आप, कहीं से भी एक बूंद लीकेज नहीं है ट्रैक्टर के अंदर। और यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से देखो ट्रैक्टर में कहीं से कहीं तक कोई लीक नहीं है, कहीं एक बूंद भी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो इसके इस साइड आ जाते हैं, दूसरी साइड। तो दोस्तों, इसमें और फोर्ड 3600 में ये फ़र्क था कि फोर्ड 3600 के अंदर वैसा पंप आता था, मतलब कि जो डायफ्राम वाला, लेकिन इसमें माइको पंप है। तो माइको पंप का डीजल खर्च कम है, और कंपनी से ही कम, इसमें माइको पंप लगा हुआ है, इसका डीजल खर्च बहुत ही कम है, और ताकत काफ़ी अच्छा लगा था, और लीक नहीं है आप देख सकते हो। लेकिन ये चीज़ इसकी रिपेंट है, और अच्छी क्वालिटी की रिपेंट है, पूरा इंजन ओरिजिनल पेंट का है। और इसमें देख सकते हो DCM का गेयर बॉक्स है, जो कि 4600 के अंदर आता था। हाइड्रोलिक देख लो आप, पीछे से भी इसका गेयर बॉक्स दिखाऊंगा एक बार आपको मैं। और देखो ये यहाँ से यहाँ तक कोई कहीं से भी लीक नहीं है ट्रैक्टर बिल्कुल भी। ये देखो दूसरी साइड से आप, फुल गुड कंडीशन है। उसके बाद आपको बता दूं मैं, इस ट्रैक्टर को हम कल्टीवेटर पर चला के भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से चलता है और कैसा इसका परफॉर्मेंस है। राजा स्टार्ट कर दिए एक बार। ये ट्रैक्टर फोर सेल का है, बिकाऊ है, काफ़ी अच्छी कंडीशन का ट्रैक्टर है। आप देख सकते हो आवाज देखो आप, कैसा लगा ट्रैक्टर? अगर आप बाइक खरीदना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, इसकी कीमत भी कोई खास ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।